Good morning kids, welcome to your English class. And kids, in today's class we will learn a new alphabet. Do you know which alphabet is this? No? Okay, I will tell you. So kids, look here. This is alphabet G. This is alphabet G. Capital G. Kids, take out your book. Teach me alphabet and open it. Open page number 8. Okay, see kids, which alphabet is this? Tell me, which alphabet is this? This is alphabet G. This is alphabet G. The sound of alphabet G is G. The sound of alphabet G is G. G, G, G. The sound of alphabet G is G. So kids, look here. G is for giraffe. G is for giraffe. G is for gift. G is for gift. G is for grapes. Look here. G is for grapes. G is for girl. G is for girl. Look, G is for girl. And kids, G is for got also. G is for got. G is for got. And kids, G is for guitar. G is for guitar. And G is for glass. G is for glass. आप सब यूज करते हो ना ग्लास, आप सब यूज करते हैं ना ग्लास. ओके, एंड दिस इज जी इज फॉर ग्लास. सो किड्स, दिस इज अवर अल्फाबेट जी. दिस इज अवर अल्फाबेट जी. नाउ रिकॉल अवर लेट पिक्चर्स. जी इज फॉर जिराफ. जी इज फॉर जिराफ. जी इज फॉर गिफ्ट. जी इज फॉर गिफ्ट. G is for grapes. G is for grapes. G is for girl. G is for girl. And G is for got. G is for got. G is for glass. G is for glass. And G is for guitar. G is for guitar. So kids, now revise your alphabet G and its related pictures. Now kids, we will do an activity of related to alphabet G. Okay, अब हम क्या करेंगे, alphabet G की activity करेंगे. So kids, for this activity we need a A4 sheet, color green color, brush and a plate. ओके, आपको क्या करना है इस एक्टिविटी के लिए, A4 शीट चाहिए, ग्रीन कलर एंड प्लेट एंड अ ब्रश. ओके, नाउ टेक सम ग्रीन कलर इन योर प्लेट. सो किड्स, टेक आउट सम ग्रीन कलर इन योर प्लेट एंड टेक ग्रीन कलर इन योर थंब. ओके, आपको थंब पे, अपने थंब की टिप पे ग्रीन कलर लेना है. Like this. Okay, and impression on A4 sheet. और आपको कितने impressions करने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, आपको first line में कितने impressions देने हैं, 5. Now, अब आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है next line में और यू गिव 4 इंप्रेशंस. ओके, आपको 4 इंप्रेशंस देने हैं थंब के, 1, 2, 3 and 4, लाइक दिस. नाउ किड्स, अब आपको क्या करना है, आपको 3 इंप्रेशंस करेंगे, 1, 2 and 3. आपको ये 3 इंप्रेशंस कहाँ करने हैं, 4 वालों के बाद, 4 इंप्रेशंस के बाद. नाउ give 2 impressions, 1, 2 and now
गिव वन ओनली वन इम्प्रेशन. ओके, आपको क्या करना है, आपको अपने थंब से ऐसे इम्प्रेशंस देने हैं. ओके, एंड नाउ सी किड्स, अभी आपने क्या किया है, आपने अपने थंब के इम्प्रेशंस दिए हैं यहाँ पे, है ना. यू गिव टू योर इम्प्रेशंस ऑफ थंब. ओके, नाउ टेक स्केच कलर और ब्लैक मार्कर एंड ड्रॉ द स्टेम लाइक दिस. आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बनाना है और एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है. नाउ गिव ड्रॉ वन अनदर लाइन लाइक दिस एंड मेक अ स्मॉल सर्कल हेयर. ओके, एंड नाउ वन स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस एंड वन अनदर स्टैंडिंग लाइन दिस. नाउ गिफ्ट मे ड्रॉ अनदर स्टैंडिंग लाइन. ओके, लाइक दिस. सी किड्स, वॉट इज दिस, क्या है ये, एंड यू हैव टू ड्रॉ लाइन लाइक दिस. ओके, सी वॉट इज दिस, टेल मी. यस, दिस इज जीज फॉर ग्रेप्स, जीज फॉर ग्रेप्स. सो किड्स, our alphabet G activity is ready. Okay, enjoy this activity. Bye bye kids, take care.